मंदसौर जिले के शामगढ़ में असामाजिक तत्वों के द्वारा प्राण घातक हमले के विरोध में महामहिम राज्यपाल को पौरवाल समाज ने दिया ज्ञापन। विगत दिनों कोटा स्टोन एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पौरवाल समाज के वरिष्ठ व्यक्ति नरेंद्र काला के ऊपर रामगंज मंडी में असामाजिक तत्वों के द्वारा 5 अगस्त को प्राण घातक कातिलाना हमला किया गया, जिसमें नरेंद्र काला को गंभीर चोटें आई और उन्हें घायल अवस्था में कोटा मेवाड़ हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां पर वह जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। समस्त पौरवाल समाज इस घटना का घोर विरोध एवं निंदा करता है। उक्त कृत्य से समाज में घोर आक्रोश व्याप्त है। अतः पौरवाल महासभा, पौरवाल समाज, शामगढ़ एवं पौरवाल युवा संगठन शामगढ़ अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग शासन प्रशासन से करता है एवं रामगंज मंडी में बढ़ रही गुंडागर्दी के विरोध में महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान का ज्ञापन प्रेषित कर उचित कार्रवाई विलंब किए जाने की मांग करी। शामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। नरेंद्र काला रामगंज मंडी के ऊपर प्राण घातक हमला किया है, उसके विरोध में पौरवाल समाज शामगढ़ द्वारा महामहिम राज्यपाल जयपुर को एक ज्ञापन दिया गया है और निवेदन किया है कि अपराधियों की धरपकड़ की जाए और गुंडागिरी खत्म की जाए रामगंज मंडी के अंदर। साथी युवा साथी एवं पौरवाल समाज के वरिष्ठ जन आरक्षित केंद्र शामगढ़ पर उपस्थित हुए हैं। हमने रामगंज मंडी में नरेंद्र जी काला के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है उसके संबंध में राज्यपाल महोदय जयपुर के नाम से यहाँ पर हमने एक ज्ञापन दिया है, जिसे हमें थाना प्रभारी द्वारा कहा गया है कि इसे एसपी साहब के द्वारा महामहिम राज्यपाल जयपुर के पास भिजवा दिया जाएगा। क्या नाम आपका? रमेश चंद काला। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज ये रामगंज मंडी में घटित हुई शर्मनाक घटना, उसके संबंध में पौरवाल समाज एवं पौरवाल महासभा युवा संगठन के द्वारा टीआई महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। आपका क्या नाम? प्रणय धनोती, अध्यक्ष पौरवाल युवा संगठन शाम। पौरवाल समाज आज जो ज्ञापन दिया गया है उस विषय में क्या आगे कार्रवाई है? पौरवाल समाज द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वो रामगंज मंडी की घटना को लेकर दिया गया है, क्योंकि ग्रामीण कोटा राजस्थान में आता है और ये ज्ञापन है महामहिम राज्यपाल राजभवन जयपुर राजस्थान के नाम पर। तो इस ज्ञापन को मूलतः एसपी साहब के माध्यम से राज्यपाल महोदय जयपुर को भेज दिया जाएगा। कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।